ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और 2015 और 18 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है, ठीक है, आरएस अग्रवाल का है, और इसे 2017 में और 19 में पूछा गया है, ठीक है, प्रूफ करने वाले प्रश्न हैं। सो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके हमें ये लाना है, इसको भी सॉल्व करके हमें ये लाना है, ठीक है। तो पहले ये लेते हैं, तो क्या लिखोगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर। हमारा रूल क्या है कि अगर आइडेंटिटीज लग रही है तो आइडेंटिटीज लगाओ, और आइडेंटिटीज नहीं लग रही है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदलो। तो देखो, आपको पता है यहाँ पर सर्वसमिका का प्रयोग हो रहा है, आइडेंटिटीज का यूज़ हो रहा है, क्योंकि 1 + cot² एक किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर है। और 1 + tan² किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, तो 1 + tan² की जगह पे क्या जाएगा? सेक स्क्वायर है। और 1 + cot² की जगह पे क्या जाएगा? कॉसेक स्क्वायर है। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है वो अभी तक नहीं मिला है, टेन स्क्वायर ए लाना है हमें। आपको पता है सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos A, और कॉसेक ए का जो सूत्र होता है वो होता है 1/sin A। ये वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। देखो यहाँ पे जब रखोगे 1/cos A स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, फिर यहाँ पर कॉसेक की जगह पे रखोगे 1/sin A स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, cos² cos² है। एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर मत कर देना कि कॉस स्क्वायर भी लिख रहे हो और ए स्क्वायर भी लिख रहे हो, वो गलत है। 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर क्या जाएगा? साइन स्क्वायर है। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है साइन स्क्वायर है, नीचे से कॉस स्क्वायर है। आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। तो ये हो जाएगा 10² है। रीज़न क्या दोगे कि साइन अपॉन ए कॉस अपॉन ए 10 a के इक्वल होता है, तो दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10² है, जो कि आपको प्रूफ करना था, ठीक है। सो पहला पार्ट तो हमारा आराम से हो गया, ठीक, पहला पार्ट आराम से हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। इस दूसरे पार्ट में देखो, इस फंक्शन में क्या है कि इस साइन को से सॉरी ये चीज़ को दे रखा है, मैं ये चीज़ प्रूफ करना है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, लॉजिक पता है आपको। जब सर्वसमिका का प्रयोग हो रहा है, यानी कि जब आइडेंटिटीज लग रही है तो हमें लगाना होता है, अगर आइडेंटिटीज नहीं लग रही है तो हमें उस फंक्शन को साइन को से बदलना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ओ, अभी मेरे से गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है? इस क्वेश्चन में आने से पहले इस वाले पार्ट को तो हमने किया ही नहीं है ना, इसको भी तो ये लाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। तो देखिए हमें लाना है 10² है, ओके। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है ना। आपको पता है कॉट ए किसके इक्वल होता है? 1/10 है, होता है कि नहीं? होता है। तो 1/10 है, ठीक है, इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व ही मत करो, ठीक है। अब इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 10 1 जा 10, तो LCM 10 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। ऊपर क्या है? 1 ये चीज़, और यहाँ से भी देखो 10a - 1² और ये हो जाएगा 10² इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और देखो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ,
ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 1 माइनस 10 a का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वही रहता है। अब मेरे को सिर्फ ये लाना है, ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे। देखो दिख तो सेम रहा है लेकिन चिन्ह का फर्क है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से माइनस कॉमन लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखो जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, तो नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो इस टर्म माइनस का भी स्क्वायर होगा और इस टर्म का भी स्क्वायर होगा, है ना, और ऊपर इंटू में यहाँ 10 स्क्वायर है। अब सेम आ गया, कटा, तो यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये पार्ट आराम से हो गया हमारा। अच्छा, हम कहाँ पे थे इस क्वेश्चन में, हाँ अब यहाँ पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे थे हम कॉस स्क्वायर थीटा। नियम क्या है कि अगर आइडेंटिटीज़ नहीं लग रहा है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदलना है, और आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज़ नहीं लग रही है तो फंक्शन को बदलना पड़ेगा। बाकी ये तो पहले से ही साइन कॉस में, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, ठीक है। अब ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किसी भी नंबर को एक से गुणा करने पे वही रहता है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो ये डिवाइड में शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो डिवाइड में होता है वो यहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई में, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर इसकी 1 पावर है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है, तो यहाँ कॉस क्यूब थीटा, अब ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, अब यहाँ पर यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है साइन है, सेम चीज़ है लेकिन चिन्ह का फ़र्क है, तो मैं सेम बनाऊँगा तो एलसीएम लेना सिंपल हो जाएगा ना। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर वाले को पार्ट को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ के साइन क्या होंगे चेंज, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का। अब नीचे देखो सेम आ गए, तो मेरे लिए एलसीएम निकालना सिंपल हो गया और सॉल्यूशन भी इजी हो गया, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाता है, आपको पता ही है। और ये फार्मूला क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, सॉरी प्लस के ए बी, ठीक है। सो देखो ए की जगह पे कॉस थीटा है, बी की जगह पे साइन थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू में ए स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ए इंटू बी ना, अपॉन में क्या था, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, कैंसिल आउट। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, और यहाँ से क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो प्रूफ करना था, आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ इजीली हो गया। तो ऐसे ही बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।